भाई बहन का शिष्टाचार। जब होने लगे धर्म का लोप, बढ़ने लगे अधर्म और भ्रष्टाचार, जब घटने लगे ज्ञान का प्रकाश और छाने लगे अधर्म रूपी अंधकार, हर युग में मुझे लेना पड़ता है अवतार। अब दूर होंगे सबके मन के मलाल, सभी होंगे खुशहाल, आ रहा है मेरा नया स्वरूप, ब्रज के गोपाल। Wish you all the best. आप बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, इसमें जो राधा का रोल करें उसके बारे में हमारे जो प्रेस वाले आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, राधा का किरदार बहुत बड़ा किरदार है मेरे लिए। जैसे कि हम सबको पता है राधा जी को हम कृष्ण के साथ ही पूछते हैं, तो राधा कृष्ण के बिना कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। I'm very happy कि मुझे राधा का किरदार निभाने मिल रहा है। I'm very lucky also. So, बस यही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम ये सब, सारी टीम मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम ये शो के लिए। सो आप सबका प्यार हमें चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैतन्य महाप्रभु जी से, अमित बहल जी। महाप्रभु जी, कृष्ण भगवान जी को ढूंढते ढूंढते आप कहाँ पहुँच चुके हैं बताइए, और अपने इस किरदार के बारे में प्रेस को क्या कहना चाहेंगे? अपने प्रिय गोपाल को ढूंढते ढूंढते प्रेमभूमि तक तो पहुंच गए चैतन्य। बहुत कठिनाइयां झेलते झेलते, लेकिन इन कठिनाइयों का इतना आभास नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने अपने भक्त को भक्ति में लीन होते हुए देख कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जिसकी वजह से जो कठिनाइयां दर्शकों को दिखेगी, लेकिन शायद चैतन्य को अभी तक दिखी नहीं है कि भक्ति में लीन। और ये किरदार करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, तो मैं इसके लिए चैनी को, निनाद को, शांतनु को, कृष्ण पांडे जी को, क्योंकि एक ड्रीम रोल है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन आम पर चैतन्य पूर्णिमा भी होती है, और ये कैरेक्टर अगर मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ तो मेरे लिए बाकी मुझे लगेगा कि मुझे गोपाल का एक 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 थोड़ा सा अंश मिला है, बस उतना ही कहना चाहूँगा। वेरी नाइस। मैं पंकज बैरी जी से रिक्वेस्ट करूँगा। पंकज जी, अपने बारे में, आपका जो किरदार है इसके बारे में बताइए। तेनाली राम में आपने इनके साथ काम किया पहले, और इस शो में आप हैं, वैसा ही लुक लग रहा है, लेकिन आपने आज पगड़ी पहनी हुई है, तो अपने किरदार के बारे में बताइए। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब आए, थैंक यू वेरी मच। आप सबका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा, सालों साल से मिल रहा है, मैंने तो गिनने भी बंद कर दिए साल अभी, तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार हमेशा मिलता रहेगा। जिस तरीके से आपने पिछले कामों को सराहा है, आप ऐसे ही हमारे इस पूरी टीम के काम को सराहेंगे। मैंने जैसा हिमांशु जी ने कहा, मैंने शांतनु जी के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, लंबा काम किया तेनाली रामा में, वो भी उन्हीं की, जिसको कहते हैं उन्हीं का बेबी था, ये भी उन्हीं का बेबी है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, तो कट रही है, बड़ी मेहनत से कट गई, कट गई। हेलो हेलो हेलो, माइक चेंज करो। हेलो, आ गया, हेलो, हाँ जी। तो बहुत लगन मेहनत के साथ इस शो को शांतनु जी ने लिखा है, और एक बार फिर से मुझे एक डिफरेंट किरदार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये शो का खलनायक है, ज्ञानधर इसका नाम है, और इसकी जो परतें हैं मैं अभी आप सबके सामने नहीं कहूँगा, क्योंकि वो परत दर परत जब चीज़ें खुलेंगी तो आपको उसको देखने का आनंद आएगा। और मैं हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से पूरी टीम को देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल,
और पूरी पूरी आशा है कि ये शो सक्सेसफुल होगा, दंगल और आगे बढ़ेगा, पूरी टीम और आगे बढ़ेगी, पूरी टीम और मेहनत करेगी और आपको एंटरटेन करेगी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा निमय बाली जी साहूकार साहब, कितने किरदार, कभी कंस कभी रावण, आज साहूकार हैं, तो निमय बाली जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आप बताइए सर अपने किरदार के बारे में। बड़ा कमाल का किरदार है, मतलब आपने सर निमय बाली को आगे देखा होगा, पिछला जो भी काम किया इसमें मैं वो नजर नहीं आऊंगा, ये कुछ अलग है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने कास्ट किया मेरे को इसमें और ये मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब हम तो उस जमाने से हैं जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, राइट, तब से लेके अब तक ये जर्नी चली आ रही है। थैंक गॉड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।